shoulder and eyes. उसके पहले भी वाइड दिया ना उसमें भी कर सकते उसको बाहर का तो बुलाया फोन कर जानता नहीं करना राजू ने इसके तो मैं बोला हाँ बैल मार दिया ना लॉली लॉली और शिवा कोई भी रहता तो वाइड दिया हाँ लॉली यानी शिवा बोल ले रे अरे सांगित ला लॉली और स्ट्राइक ला शिव शक्ति बैटिंग है शिव शक्ति अंची फलंदाजी है अरे वोड़े जोर से बोल रहा मेरा भाई एक स्पीकर इधर लोगों एक स्पीकर इधर घुमाओ थोड़ा सा स्पीकर इधर घुमा लो इतना हर बार तो बोल रहा हूँ यार शिवशक्ति पाले अंची शिवशक्ति अंची फलंदाजी स्ट्राइक ला लाली नॉन स्ट्राइक ला शंकर शिवा 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 शंकर एक ही हो गया रे उसको शिवा बोलते ज्यादा करके शिवा ही बोलते है ना फिर शिव हो या शंकर रुद्र हो या माधव एक ही नाम नाम अलग रूप एक ही गावदेवी टीम संघाचे सध्या केअरटेकर छुटका ये खरे नाव काय त्याचा ए ए ए उसका असली नाम क्या छुटके का वीरेंद्र जितेंद्र डांस जितेंद्र बॉलर जितेंद्र एक्टर जितेंद्र नाही हाँ क्रिकेट मधला जितेंद्र लक्ष्मीनगर चा उर्फ छुटका सुरुवात करा राजू पवार नक्कीच पहले षटक घेऊन संघाचा आणि वैकी संघाचा पहले षटक घेऊन छुटका जितेंद्र तैयार लॉली पहिला डीप कवरच्या दिशेने मारताना फसला थोड़ा सा चेंडू आणि आसन से कैच जाता जाता थोड़ी लांब राहिली केअरटेकर गावदेवचे मनोज फाळके गावदेव टीमचे मैच हरल्याबद्दल डिस्कशन पहला षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन जितेंद्र तैयार नक्कीच गेला चौकार चौकार शिवा याने आपल्या पहिल्याच चेंडूवरती गोलंदाजाचा समाचार घेता चौकार दुसरा चेंडू आलेला राजू जरा चेंडूवरती लक्ष द्या मला वाटतं पहिला षटक चालू आहे जरा चेंडू चेंज न होता जरा लक्ष द्या चार थोडासा चेंडूला उसळी देत निर्धाव चेंडू टाकला जर चौकार लगवला असेल तर मी दुसरा चेंडू नक्कीच निर्धाव टाकू शकतो हे चुटकाने दाखवून दिलेलं आहे जितेंद्रने षटकार मारण्याच्या दिशेमध्ये अति उंच स्ट्रोक लगावल्यानंतर रनआउट सुद्धा वाचला मन्ना फेची कचाशे फेकी फेकी नंतर अजून एक रन भेटतो की काय पण नाही आताचे दोनच धावा पहिला षटक चालू असताना धाव संख्या मात्र पोचते ती सात वरती महेंद्र सिंग धोनी लकी नंबर सात सात वरती क्रिस्टियानो रोनाल्डो सात अजून मला वाटतं सुनील छेत्री सात नंबर लकी नंबर सात ओहो कवरच्या दिशेने एकच धाव धाव संख्या थोडी पुढे सरकते जी आठ आठ ही धाव संख्या इसके बाद मन्नापच्या हातामध्ये कॅच एकदम अलगत कॅच दिलेला आहे आठ या धाव संख्येवरती पहिलं ग्राउंड लागलं ते शिवाच्या रूपामध्ये गडी बाद होऊन तंबूत परतोय सोपा जेल मन्नापच्या हातामध्ये एक षटक संपल्यानंतर धाव संख्या पोचते ती आठ वरती मेरेगेलचे मला वाटतं या चाललेल्या सामन्यामध्ये मिश्रा परिवारातर्फे भरपूर प्राईज देण्यात येतं दोनशे एक रुपये काय 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 सर्व पण त्यांचा एक भाव होतो छोटावाला जो चायनीज चालवतो हो, त्याच्या खिशातून काही निघतच नाही आहे एक बी प्राईज नाही आहे तरफ से
सध्या त्यांचं आउट गोइंग बंद आहे, इनकमिंग फक्त चालू आहे. मग कल से एक भी आवाज नहीं आया तेरा, आज बोला जरा लोकल लेवल खेल राजू बोल, जरा घाई करा. ए दीपक थोड़ा प्रैक्टिस मत करो, खेल चाल मना चालू कर. होना सामना मैं विजय गोपी है, मैं दीपक है गोपी बस फलंदाज अमोल. सध्या चाललेल्या क्रिकेट युगामध्ये फलंदाज किती आतमध्ये सफल होतो त्यावरती दोन लाईन म्हणजे डिक्लेअर झालेल्या आहेत. गोलंदाजाला सुद्धा काहीतरी ॲडव्हान्टेज पाहिजे, कारण टॅनिसचे बॉल आल्यामुळे गोलंदाजाचं मरण झालेलं आहे. कवच्या दिशेने मारलं एक धाव हामोच्या फळीतून निघाला. या एक धावानंतर संघाची धावसंख्या पोचते ती नऊव्या संख्येनं, नऊ धावसंख्या नऊ. नॉन स्ट्राईकला लॉली, बघूया ते बॉलला लॉली पॉप बनवतात की काय, की लॉली बन म्हणून षटकार लागतात. उत्कृष्ट गोलंदाजी, पायचीची अपील मागत असताना गोलंदाज पंचांनी ते फेटाळून लावलेले लेग बायच्या स्वरूपात, लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली. या धावसंख्येनंतर संघाची धावसंख्या पोहोचते 10 वरती. लाली स्ट्राईक वरती, लाली वर्सेस गोपी. थोडा अक्रॉस ते विकेट खेळताना ऑफ साईडच्या दिशेने षटकार मारण्यात याच्यानं दोन धावा पंचांकडून डिक्लेअर झाले आहेत. दोन धावाच्या नंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे 12. देखने के 12 किसके बचते, बॅट्समन के या गोलंदाज के, ये गेंद के ऊपर 12 किसके बजने वाले देखते हैं, 12 क्रॉस होते या 12 पे देते. हाँ भाई लास्ट बॉल पे शेवटचा चेंडू आहे का, शेवटच्या चेंडूवरती थोडस छोटा वाला नाराज झाले आणि त्याने लगेच उसळी घेतली की हा गोलंदाज षटकार मारला तर 200 रुपये नक्कीच. याच गोल चेंडूवरती षटकार लागवला तर 201 रुपये गेले 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 गेले, वाचले 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 201 रुपये. पण गडी बाद होते, संघाला ग्रहण लागते, ते मोठा फलंदाज लाली याच्या रूपात लाली बाद होते. सर्व खेळाडू बघा, मला वाटतं 22 ते 23 वयाच्या वयोगटातले, पण बरेचसे त्याच्यामध्ये केके 11 आहेत. राजू पवार मुख्य पंच काहीतरी सांगतात, कोणाचा तरी फोन आलाय. राजू पवारला जायचं आहे की काय, कोणाचा फोन आहे, कोण धावसंख्या सांगतो एक मिनिट किती येते धावसंख्या, जैसे थी वैसे 12. तुमने बजा दिए बैट्समैन के 12 पे रोक दिया उनको. छोटा वाल्यांचे 200 रुपये नक्कीच वाचले, पण जास्त वेळ राहणार नाही, परत ते दिखले देतील दुसरा प्राइस. बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम, अरे दोन रनची पेनल्टी सांग, बॉलर नेम सांगणार ते, अरे सांग ना दोन रनची पेनल्टी म्हणून. ए बॉलर ना नाव सांगितलं ना तुम्ही, दोन रनची पेनल्टी दे ना. अरे बॉल, अरे बॉलर नेम सांग ना. अरे बोलतोय ना दोन ढल्लो. ओहो मांगले म्हणजे ते ओंकार देसाई, आपल्या आपल्याला ओंकार देसाई या स्वरूपात बघतात नेहमीच. आरसे दुबार आले की त्यांना ओंकार देसाईचा चेहरा दिसतो, स्वतःचा दिसत नाही. असे प्रोफेशनल नावाजलेले मांगले, राम मांगलेचे सुपुत्र विनू मांगले यांनी कधी कॅच सोडत नाही, पण आता कॅच सोडलेली आहे. छोटा वाला ने पुन्हा एकदा
मला वाटतं याच्यामध्ये एक मला गरीब बाद होतो अमोल याच्या रूपामध्ये धावसंख्या पोहोचली होती 13 वरती. मला एक हिंदी पिक्चरचा डायलॉग आठवतो आनंद पिक्चर मधला राजेश खन्ना जेव्हा म्हणतात बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए यादगार में बसना चाहिए. उसी प्रकार की फलंदाजी यहाँ पे हो रही है कि गेंद को हवा में ऊंचाई पे मारते कोई तुम मुकाम पा नहीं सकते. कैच एक सोपा जेल कैच मारो कैच नहीं हो सकते. अगर लंबा मारना है तो लंबा मारो छे मारो. बिल्ली नीलेश एक ट्रेनर है जिम से निलेश. तिसरा चेंडू झाल्यानंतर संघाची धाव संख्या पोहोचते होती 14 वरती. तीन ना चेंडू चार झाले तीन चेंडू बोलतो बिल्ली. या सात एक धाव संख्या संघाची धाव संख्या 15. या सामन्यामध्ये भरपूर मेहनत घेतलेले विक्की मिश्राचे छोटे भाऊ उपेंद्र मिश्रा येणाऱ्या काळामध्ये आयपीएस ऑफिसर म्हणून तुम्ही त्यांना बघाल. खोलवर टाकल्या चेंडू निलेशला भिरकवता आला नाही कारण यॉर्कर चेंडू मारणं म्हणजे हे काय ऍबिलिटीचं फक्त काम आहे. शेवटचा चेंडू राजू पवार धाव संख्या 16. शेवटच्या चेंडूला षटकार लागला तर 201 रुपया म्हणजे काही नाही. बाबू मोशाय ये लकी आहे. छोटा वाला तू प्राइज मत लगा षटकार जा नाही रहा तू क्या कर रहे पता नाही. मगर इधर बॅट्समॅन लोक की तंबू में घबराहट हो रही है. इसके वो बोलते ना छोटा वाले के जेब से पैसा निकालना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है. जैसे डॉन ने बोला था ना डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है. मेरे ख्याल से प्राइस बढ़ेगा तो जरूर कोई मारेगा. बैट्समैन शेट्टी गोलंदाज पारस देखते हैं अपने बॉल को कितना चमकाते पारस जिनका नाम है जिनके हाथ में गेंदबाजी है कैसे चमकता पारस अपने संघासाठी निर्धाव षटक टाकून की अजून काय करून. पारस खरच पारस ठरतात. पहिल्या चेंडू मध्ये षटकार लावला निलेश 200 रुपयाचं पारितोषिक. मला वाटतं आता लावायलाच नाही पाहिजे. छोट्या ज्या खिशातून पैसे जात नाही गरीब बाद होण्याच्या नशीब कॅच सोडली पुन्हा 200 रुपये खिशामध्ये गेले. कीपर कोण होतो कीपर ब्रिजेश. फारच त्याने मेहनत घेतली होती. या बॉलवरती पारसीचा विकेट घेतली निलेशची बोल ना तर 201 रुपये. आणि निलेशने षटकार लागवला तो विचार करावा लागेल तरी पण 200 रुपये. लक्ष्मीनगर जाने माने पॅकर हमारे कोण संचित संजय संचित भाई पुढचं षटक घेऊन मार्गस्थ 18 धाव संख्या 18 कमीच केलाय एवढं खूप कमी. ओके नक्कीच आम्ही तुम्हाला कॉपरेट करू. गोरेगाव पोलीस स्टेशन आम्ही आवाज कमी करा थोडासा आवाज कमी करा साऊंड सिस्टम थोडीशी आवाज कमी करा. आम्ही सुद्धा आमच्या ध्वनीवरती कंट्रोल ठेवू. नक्कीच गरीबाद गरीबाद कमांडर काळजी करू नका नक्कीच ध्वनीवरती कंट्रोल राहील. हळू तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे
दोन्ही थोडं कमी ठेवा ना सर. सर बघा कॉल तर होतो ना, आम्ही तुम्हाला कॉपरेट करतो, कमीच ठेवतो. मैदानच्या बाहेर आवाज जाणारच नाही, काळजी घेऊ का थोडी प्लीज. तुम्ही कॉपरेट करा थोडस. इतर अर्ध्या वेळी आम्ही तुम्हाला नक्कीच सहकार्य करत असतो गोरेगाव पोलीस स्टेशनला वारंवार. तुम्ही आजच्या दिवशी आम्हाला सहकार्य करण्याची आमची अपेक्षा. निलेशाने एरकाऊन दिला चेंडू चौकार नशी चौकार 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 चार धावा. राजू पवार मुख्य पंच यांच्या मार्फत चौकार, चोवीस धाव संख्या झाली आहे. चोवीस यानंतर होणारा सामना विजय यादव वर्सेस चिल्लम. नाणेफिकीसाठी यायचा गोपी उत्कृष्ट फेकी. हॅलो हॅलो. बोल दो ना फटफट नीचे से रहेगा ना अंदर से मैं भी खाली है. 28 28 हॅलो हॅलो चालू कर ना, कितना टेस्ट करतो. हॅलो 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 चालू आहे का? बस ठीक आहे ना. हॅलो अजून कमी ओके ठीक आहे, थोडासा और काम करू. हॅलो हॅलो ठीक आहे ना.
थोड़ा मैच में जोश आता उस प्लेयर को। मम्मा डोंट वरी, आपको थोड़ा बुरा लगा जो भी मैं कुछ बोला, इसके लिए आप कमेंट्स दे रहे आपके बारे में। नाने फिके का कौन बारे है, कौन होता है चिल्लो मिलवन चे कप्तान कर्णधार त्याने इकडे यायचे नाने फिके साठी चिल्लो मिलवन आणि विजय यादव, विजय दिनानाथ यादव। गावदे एकता वॉरियर्स विजय उपेन चिल्लम को जरा बुला लो फोन करके, एक सामने अट्ठावीस धावांचं आव्हान, अठ्ठावीस चोवीस चेंडू अठ्ठावीस धावा, चोवीस चेंडू अठ्ठावीस धावा। सेलिब्रेच्या फोटोमध्ये सतीश सुद्धा दिसत आहे, सेलिब्रेच्या बॅनरमध्ये सतीश। उपेंद्र खाना खाया गया ऐसे इटारसी भाई पूछे, मैं खाएगा तो अभी होटल से मंगाते हो इटारसी भाई, अभी होटल से मंगा दे। पहला चेंडू टाक लेला निर्वाह चेंडू, खा लिया उसने चिल्लम, साइड बनाने में माहिर, देखो उनके हाथ में चिल्लम है इसलिए उनको चिल्लम बोला जाता। कईस फलंदाज कईस वारंवार बीट होते, दोन चेंडू निर्धाव टाकले मध्ये गोलंदाज कोण है फहीम, फहीम भाई सीनियर सिटीजन फहीम, ओल्ड इज गोल्ड म्हणतात ना, ती प्रात्यक्षिक इथे दाखवून दिलेलं आहे फहीम भाईने। नाणेफेकीचा कौल होतोय गावदे एकता वॉरियर्स, गावदे एकता वॉरियर्स टॉस जिंकलेली आहे, थोड्या वेळात आपला निर्णय कळतील। काय बात आहे, काय बात आहे, तीन चेंडू निर्वाह टाकत असताना कैस हा एक गरीब बाद होते कैसच्या रूपामध्ये, कैस बाद तीन निर्धाव चेंडू टाकत असताना गडी बाद होतोय तो कैस। प्रॅक्टिस मध्ये मोठे मोठे शॉट लागवतात कैस, पण आता मॅच मध्ये थोडीशी बॅट बॅकफुटला आली त्यामुळे तीन चेंडू मध्ये एकही धाव न काढता स्वतःचा भूकबळीच्या रूपात गडी बाद करून तंबू मध्ये परत नवीन फलंदाज पारस, नवीन फलंदाज पारस। फहीम, फहीम भाई
चौथा चेंडू घेऊन फाईन तयार. पहिल्या चेंडूसाठी सज्ज पारस. एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये जाऊन थांबली. टीमचा स्कोर एकच ना, नंबर वन. पण नंबर वन हा ऐकायला बरं वाटतं. धाव संख्या पाहिजे असेल तर बॉल बॉलरचा समाचार घ्यावा लागेल फलंदाजाला. पण तेवढं आसान नाही आहे. फलिंग सिनियर सिटीजन त्यांना माहिती आहे काय टाकायचा, कुठे टप्पा टाकायचा. गोलंदाजीमध्ये माहीर कवरच्या दिशेने भिरकावून दिलेला एक एकच धाव. बिल्डिंगला होल जरी पडला तरी एकच धाव आहे कवरच्या दिशेने. संघाची धाव संख्या जाते ती दोन वरती. एकच धाव ते समाधान मानावं लागेल. संघाची धाव संख्या तीन. पहिला षटक समाप्त. पहिल्या षटकानंतर धाव संख्या बसलेली होती तीन. याच्या पुढे समालोचन कक्षाची जबाबदारी सांभाळतील सत्यप्रकाश शुक्ला. आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये कॉमेंट दिसतो. शाहिद आफ्रिदी कुठे असेल त्यांनी यायचे. शाहिद आफ्रिदी आफ्रिदी नाही पण शाहिद लक्ष्मीनगर. शाहिद कुस्ती पहिली नहीं है उनका. लंच टाइम हो गया लगता है क्या. सिगरेट टाइम पता नहीं गायब है. गादी बॉयज के ऑर्गेनाइजर कोई भी लड़की लोग ऊपर आ गए. Yeah.
अरे रईस कुर्सी देना, रईस रईस कुर्सी देना। वाह, हेलो, आवाज आ रही क्या? वाइड देगा ना, बेकार है। कितना रन, कितना बॉल? एक ओवर तीन बॉल, नौ रन। हाँ, हेलो हेलो चंदू, आवाज आ रहा है मेरा वहाँ पे? चंदू सही, उठना वहाँ से, सिक्स पे खड़ा, सिक्स पे है। हेलो शिव शक्ति पाले, शिव शक्ति पाले के ओवर से अमन टीम की दूसरी ओवर, अपनी पहली ओवर लेके दो बॉल में कुछ एक्स्ट्रा रन, पांच रन देते हुए। अमोल का तीसरा बॉल, ब्रिजेश नौ रन। अमोल राइट एंड राउंड से तीसरा बॉल आते लेते आके हुए, ब्रिजेश ऑफ साइड हुआ, बटका हुआ, डॉट बॉल, डॉट बॉल। अमूल का चौथा बॉल, ब्रिजेश को स्लो ओवर वन डाला हुआ और ये चौ फिल्टर्स कनेक्ट करते हुए लेग साइड सुनील बिल्डिंग में मारते हुए और हेम्पायर का डिसीजन, एक रन, एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ दस। हमारे जाने माने कमेंटेटर शाहिद, शाहिद शेख, अपना टी टाइम का टाइम खत्म हो गया, तो अपना स्टेज शाहिद खान, सॉरी वाइट वाइट डेड बॉल, शाहिद खान जल्द से जल्द स्टेज पे आ गए। टीम के नाम बोल पहले, तो पहला फील्डिंग वाला अपना शिव शक्ति वर्सेस विकी बॉयज का मैच। शिव शक्ति ने अपने चार ओवर में 27 रन बनाए, विकी बॉयज को चार ओवर में 28 टू विन। अब तक विकी बॉयज का स्कोर है दो ओवर कंप्लीट, दो ओवर 12 रन। दो ओवर बहुत ज्यादा स्लो है भाई, इतना तो मेरे को नहीं लगेगा। दो ओवर 12 रन, तुमको आवाज आ रही है? दो, हेलो, हाँ परफेक्ट, पुलिस आएगी मैं देख लूंगा अभी। दो ओवर 12 रन, कितने विकेट हितेश? एक विकेट कैश के रूप में गई है विकी बॉयज की। अगली 12 बॉलों पर 16 रनों की जरूरत। बॉलर्स नेम बाबू, बैटिंग पर है पारस, गोरेगांव बॉयज के स्टार खिलाड़ी पारस, जो आज मन्नाफ की विकी बॉयज में खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर
12 गेंदों पर 16 रन बनाकर उन्हें अपनी टीम को जिताने हैं। बाबू तैयार अपनी टीम से तीसरी ओवर करने के लिए। अबे मेरे को लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ कि 12 को जाओ जा। अरे 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 मेरे को लगता है ऐसा। पहली गेंद बाबू की बहुत ही अच्छा बाउंसर कट लगकर डिक्लेयर जोन में कीपर के सर के ऊपर से एक रन और इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 गेंद 13 रन हो चुके हैं। अब 11 गेंदों पर 15 रनों की दरकार विकी बॉयज को। बैटिंग कर रहे हैं पारस नॉन स्ट्राइक गेंद पे। ये दूसरे बैट्समैन का नाम क्या है? ब्रिजेश। नॉन स्ट्राइक गेंद पर है ब्रिजेश। स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे हैं पारस। बॉलर का नाम क्या था? बाबू। बाबू अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। पारस ने लेग के दिशा में ऊंचा शॉट पर एक रन डिक्लेयर जोन में। अब 10 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत। अभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली स्कैसनेस ओपन ही मतलब स्लॉटी बॉल खा के आउट हो गया। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार बाबू। पारस सिंगल सिंगल हर गेंद पर निकाल रहे हैं मगर अब भी 10 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। 4 रन ऊपर रिक्वायर रन। बाबू की तीसरी गेंद फिर एक बार पारस ने लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में एक रनों के लिए खेल दिया है। 9 बॉल 13 रन 9 बॉल्स एंड 13 टू विन। गोरेगांव विकी बॉयज को मैच जीतने के लिए 9 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। बाबू सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ क्योंकि उन्हें पता है एक एक रन से कोई नुकसान नहीं होगा। सिंगल ले रहे हैं तो लेने दो। अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाबू अपनी ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार। पारस ने एक बार फिर गेंद को हवा में उछाल दिया है बहुत ही ऊंचा शॉट। एक रन या दो रन? एक रन। बिल्डिंग की ऊंचाई छूकर आई हुई गेंद तब भी एक रन। पारस अगर यहां से आप गेंद लक्ष्मी नगर भी फेंक देंगे तब एक ही रन मिलेगा। तो अगर अपनी टीम को जिताना है तो थोड़ा आगे की ओर खेल के प्रयास करें। कितनी बॉल हो गई इसकी? 4-8। हाँ भाई टोटल स्कोर 16। अगली गेंद इस बार ऑफ में खेला है। एक रन चुरा लिया दूसरे की कोशिश नहीं एक से संतुष्ट होना होगा और सिंगल के साथ टोटल स्कोर 17 रन। एक बॉल बाकी है ना अभी भी इस ओवर में एक गेंद शेष। 7 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। सात बॉल 4 रन ब्रिजेश 11 रन ब्रिजेश स्ट्राइक पर और ब्रिजेश ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा 4 रनों के लिए कोई रोक नहीं और इस 4 रनों की बदौलत विकी बॉयज पूरी तरह मैच में। टोटल स्कोर 21 3 ओवर 21 रन और अब 6 रनों में महज 7 रनों की दरकार। 6 बॉलों पर 7 रनों की जरूरत। भाई ये पोल पूरा खत्म कर रहा है उसके बाद सेमीफाइनल्स फाइनल्स खिलाने हैं तो जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट जारी रखें। मैच शिव शक्ति जल्दी जल्दी अपनी फील्डिंग सही करें। 6 गेंदों पे 7 रन आपको डिफेंड कर रहे हैं जानता हूं फील्डिंग लगानी भी जरूरी है पर जल्द से जल्द करें। और बोलना तो जो टीम है ना अभी पवेलियन में आ जाए जिसका मैच है। मैच किसका अभी? तो विजय यादव टीम। तो चिलम कैसा बोलू? चिलम की टीम का नाम क्या है? चिलम चिलम इलेवन के कप्तान चिलम स्टेज पे आ जाएं। और दूसरी टीम विजय
विजय यादव की टीम के कप्तान स्टेज के पास आ जाए टॉस के लिए। चिलम और विजय यादव, टॉस हो गया है तो यहाँ की तुरंत जाएंगे ना, वहाँ आने को टाइम लगेगा। अच्छा हाँ, टॉस हो चुका है, आप अपनी दोनों टीमें ही लेकर यहाँ आ जाएं स्टेज के पास। छह गेंदों पे 7 रनों की जरूरत। बॉलर्स नेम शिवा, बैटिंग पे पारस। पारस ने इस बार सीधा खेल दिया है 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, टाइमिंग छक्का। 6 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत और पहली गेंद पर जड़ दिया है बेहतरीन छक्का। अब बस 5 गेंदों पे 1 रनों की जरूरत। गुड शॉट पारस। गोरेगांव बॉयज की तरफ से खेलते हैं ये प्लेयर और इस बार अपना फेवरेट शॉट लेग में बिल्डिंग के चौथे माले पे, सॉरी और ऊंचा शॉट, बट एक रन मैटर नहीं, एक रन हो या 6 हो, टीम को जिता दिया इन्होंने। वेल प्लेस गाइस। नेक्स्ट मैच शिव शक्ति टीम से नीलेश स्टेज के पास आ जाएं। शिव शक्ति टीम से नीलेश स्टेज पे आ जाएं। दूसरा क्या था, विजय आ गया, विजय